ले व्यवस्था अध्याय 26 आज्ञा पालन की आशीष। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाठ अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाया करूँगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और मैं उस देश में तुम जंतुओं दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा, और तलवार और तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूँगा और तुमको बलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए पुरानों को निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूँगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आज्ञा उल्लंघन का दंड। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और जबर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आँखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊँगा, और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम्हारे वैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार रखेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को माने लोहे का और भूमि को माने पीतल का बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहे हो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वस्त करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाता तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर करूंगा, तब दस स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोल कर बांट देगी, और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्या की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा, और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा, और मैं तुम्हारे देश को सुना कर दूंगा, और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं
वे इन बातों के कारण चकित होंगे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, तभी वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा, वह उसको तब मिलेगा। और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़खड़ाने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर के पड़ेंगे। तब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के सामने गल जाएंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो मेरा हो करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उसमें उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उसमें अपने अधर्म के दंड को स्वीकारेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को मैं स्मरण करूंगा, और वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, और उनकी आत्माओं की मेरी विधियों से गणना होगी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार से नहीं छोड़ूंगा, और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सत्यानाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। जो जो विधियां और नियम व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इजरायलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे यही है। थैंक यू।